अध्यक्षता कर रहा अपने जिला का जन्मा जायड़ा भारतीय जनता पार्टी का परिवार का अगुवा पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी जिका की सरपरस्ती में ये भ्रष्ट और नकारा सरकार ने राजस्थान की विधानसभा में कई बार घटनाओं चलाई है। ऐसा हमारा सर्वमान्य नेता प्रतिपक्ष का नेता आदरणीय गुलाब जी आपने ये चुनावी समर की कमान जिताकर हाथ में है। मैं बैठो बैठो अर्जुन जी ने कह रहे हो अर्जुन जी आपकी पहचान एक सक्षम राजनेता और मंत्री के रूप में ज्यादा सरदार सर के गांव में एक संवेदनशील कलेक्टर के रूप में ज्यादा है। लोगों ने आज भी याद आवा है अर्जुन जी अपना कलेक्टर होया करता था गांव का छोटा मोटा विवाद में जटा सरपंच भी को नहीं पहुंचा करते थो बट अर्जुन जी पहुंच जाया करता था जगह का हाथ में ही चुनाव की कमान है। अर्जुन जी सांसद भाई नरेंद्र जी अध्यात्म क्षेत्र में आपका अपना प्रनेता और जगह क्यों के ये चुनाव आप पागल हो सरकार का करंट लगाना है सुमेधानंद जी। और मैं मंच पर सबको नाम लू तो लंबो समय लगेगा पर इस सारा काम में आज जिका के निमित्त अपना आया हूं भैया मैं बरसा हूं आपका जिला में जिला मुख्यालय हूं लगातार 7 बार विधानसभा में गया हूं आपकी तहसील में जन्मो जायड़ो हूं ठीक 8-10 किलोमीटर दूर हरपाल सर मेरो गांव। मैं एक बात जुम्मेवारी कह सकू हूं कि भाई अशोक जी पीछा लंबे समय वो राजनीति में है कोई भाई यहाँ कह सके है अशोक जी कोई काम करो या नहीं करो हो पर इसो ईमानदार आदमी बेदाग आदमी मैं नहीं देखो भाइयों क्योंकि चौधर दिनी चल आपको के कहना है। मैं मैंने कह रहा हूं कि गंगा सिंह जी का राज के बाद में साधु सिंह जी का राज तिलक के बारे में तो मैं किताबा में पढ़ा करूं राजा रानी के पेट तू पैदा हुए तो देखो है राजकुमार का तिलक ने के बारे में भी इतिहास में देखो है पर ये लोकतंत्र में पिता के बाद में पुत्र को राज तिलक में ये सरदार सर की सरदारी बैठी है ऐसो काम हो नहीं सके। और प्रेस के लोग मैंने पूछा कि चुनाव में दूसरा चुनाव में अंतर क्या है मैं निवेदन करना चाहूं यूं पहला चुनाव हुआ राजस्थान में सरकार को जीवन 2.5 साल 3 साल पड़े हो और अब जो चुनाव हो रहे हैं आज की राजस्थान की हुकूमत है इनको जीवन बचो है सिर्फ 8 महीना ये 8 महीना ही बात से कह रहा हूं कि 13 दिसंबर ने सरकार की चौथी वर्षगांठ है चुनावी वर्ष में सरकार चली जाएगी और आखिरी 3 महीना 4 महीना आचार संहिता का चुनाव में ये जगह सरकार का अहलकार है सरकार का अधिकारी है पटवारी है ग्राम का सेवक है व्यवस्थापक है उन्हें हुक्म मिला कर तो जाओ आपके गांव में लोगों ने डराओ अगर ये वोट नहीं नाख्या सत्ता वाली पार्टी ने नहीं जिताया तो सारी प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास को नहीं मिलेगा खुर्रो को नहीं बनेगो व्यवस्था को कहता तो लोन नहीं बने मिलेगो पर भाइयों अब दीवार पर लिखेड़ी साफ दिखाई दे रही है। मैंने सब गुलाब जी ये जो सामने बैठे लोग हैं मैं आपका हम अनुचर है मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये वो लोग हैं जो इन वर्षों में या तो हमारे पास आए हो या हम इनके पास गए हो
बटोवे के साथ कहता हूं, राम सिंह जी कसवा की जो एक बात मैं समझता हूं, आप सब लोगों के सामने चाहे कोई बात आती हो, जब कभी पार्टी की बात आई, राम और लक्ष्मण की जोड़ी पार्टी के लिए झंडा पकड़ कर खड़ी हो गई। मैं तुम्हारी कह रहा हूं, आपने गलत फहमी में रहना की दरकार नहीं है। अब जगह एहलकार पहले डराया करता, अब मैं मारू डरा। कई लोग टेलीफोन कर रहे हैं, अधिकारी टेलीफोन कर रहे हैं, कब कथे नाराज मत हो जाए। मैं पिछले उपचुनाव में तो थोड़ी बहुत गड़बड़ करती, थोड़ी बहुत पंचायतों का चुनाव में भी गड़बड़ करती, और अब का किले ही कौन रहा थे झक होके माने पता है सारा बहुत अशोक ने मिला था। अभी हम मंच पर आ रहे हो तो एक पार्टी का पुराना सरपंच मिल गया, मैंने कह लगा राजेंद्र जी और चुनाव राजस्थान के इतिहास के अंदर सबसे छोटा कालखंड को चुनाव है। सिर्फ रफीक जी ने वोट मांगने वास्ते अपील करने वास्ते आया, बड़ी जोर हुआ अपील करी, और भी चुनाव में मैं मांगो नाम नहीं बताऊं, पूर्व सरपंच साहब के आठे राहुल कसवा ने लेके फेलोग आया, फेलोग अपील करी, और ये पूरी तहसील का लोग 48,000 वोटाऊ राहुल कसवा ने 32 वोट देके जितायो। मैंने तो मैंने सदके जाना चाहूं, मैंने मुझे कह रहे थे गुलाब जी कहीं से कालखंड में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसके लिए कांग्रेस ये कह दे। जिन लोगों ने लोकसभा के चुनाव में विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कसवा परिवार के लाल को लोकसभा में भेजने के लिए वोट दिए, उन वोटों में शरण हो जाए, वो वोट कम हो जाए, उनको वोट कांग्रेस की ओर चले जाए, ऐसा एक काम भी कांग्रेस के समय में हुआ नहीं। इसलिए हमें प्रण लेकर उठे, हमारे वोट हैं, जब घर में सोरण लगा कर रहना आजकल खड़ो काट के भाई, खड़ो काट के घर का सारा मिनख ले के ला के सोर ले तो फुट अपनी कट्टी ऊंची बन जाए, कुलड़ी अनाज दूर निकल आ जाए, भेड़ो भेड़ो वोटा ने सोरना को काम था ना करो। और भाइयों आज सरकार है कि मुझे बताओ त्याज अखबार पढ़ो सरकार को, एक मंत्री कह रहे हैं मुख्यमंत्री अगर जिलों नहीं बनाए ना तो मैं तेरी इसी कर दूंगा, आज की बात तो माननी पड़ेगी, क्योंकि मैं कोई इसी पार्टी को नहीं जी पार्टी में गया को नहीं, सारी पार्टियां मैं घूम घुमा के फिर कांग्रेस में आया है। तो विशेषज्ञ है वे कह रहा है कि एक जगह फॉर्चुनर में सवारी है भाई, चार तो मिनट ठीक बैठ जा रहा है, कांधी आ रहे का चलना हो एक छोटा से जोर बैठे बैठा लेगा, फिर पांच होया करा ना राम नाम सत मा कर इतना ही लोग जीते। सरकार की है कथा, सरकार इस सरकार के लम्बे सिवाय लूट और झूठ के अलावा दूसरा काम है तो बताओ। अपना सरदार सर में अपा शांति प्रिय लोग हाँ, कदा आप सुनो कि मांगी लाल जी जैसे सरिया बहु आके लोग रंगदारी वसूल करे, सारो बाजार सत्ता में चले जावे, अरे अपने सरपंच प्रतिनिधि भीम सारण ने सरेआम गोलियां चला के गोली मार के चला जावे, इस सरदार सर के अंदर बच्चा के बच्चा उठाने वाली गैंग आ जावे, इस सरदार सर के अंदर अथानी कचहरी जी की मेरी बात सुन रहा है थानेदार और कचहरी में बैठा लोग अपराध ऐसा के मिलकर लोगों पर जुलम करे, जुलम का बदलो कुल ले वागो जी एक आत्मकबली पाबंद में सरकार सो रही है। आपने वो भ्रूट आया करा ने गाँव में वो भ्रूट लगा दे और फिर दे देखो मन को सो दिखा दी ओ भ्रूट है अशोक भी तो भ्रूट लगाना है सरकार के, और भ्रूट लगाने वास्ते अपने सबने काम करना है। ज्यादा बात तो गुलाब जी भाई साहब सतीश जी बताएगा, पर मैं एक बात जरूर कहूं, मेरे पहले अच्छा अपराध और अपराधियों की बात चली, आप पे लोग हाँ एक बार कोई राखी बांध देवे कोई बहन वास्ते जान देना की तमन्ना मन में उठे, इस सरकार का चलता है राम सिंह जी ने
ते खड़ा हो जाओ ना कोई सा भी, तो गांव को नाम तो भूला तो भूल जाओ भाई, थारो खुद को नाम भूला तो भूला, पर थारो गांव को नहीं बता दे। इतनी बार थे मारकन है और मैं घर गिर गया। तो बाप जी काले चुनाव के बाद में जब वापिस मैं सरकार में आऊंगा और पिपाटी बजाता आऊंगा और धूल उठाता आऊंगा गाड़ियों में, जब भाई फिर खड़ा होगा फिर मैं थानू आप कौन मिलावा जाते हो, समझ लिया? मैं समझ गया थे भी तुम गड़बड़ करी। तो सही से बताओ थान में राम बसे, गुलाब जी भाई साहब को भाषण मांगो, सतीश जी को भाषण मांगो, भाई हर एक आदमी ने सृष्टि पर जो आया ना भाई, बिना कोई ना कोई प्यारो लगे, किने लुगाई प्यारी लगे, किने बेटो प्यारो लगे, किने पोतो प्यारो लगे, किने और आपको कोई प्यारो लगे, थाने प्यारो लगे भी सोगन। हाथ खड़ा करके बताओ कब कभी थे ही कसो पीछा हो और सारे जना मिलकर जिताओगा। श्री गांधी जी का चौक पर थे, हाथ खड़ा करे भाइयों, हाथ ऊपर ना क्यों खड़ा करे थाने पता है क्या? ऊपर एक अदृश्य शक्ति है जिसकी थाने माना चलावे, वो राम है, और ऊपर राम की सौगंध खा के दिखाओ झूठ बोले मैं तुम भी बाघ नरक मिलोगे भाई साहब, लाग जाओ काल। एक आदमी भी अंधकार मत करे भाइयों, अशोक पीछा हमारे गांव में पहुंचे नहीं पहुंचे, राम सिंह जी मैं लोग भी पहुंचाऊंगा, पर तो सौगन है ये चुनाव में अलग लड़नो है, ये चुनाव में एक आदमी इंतजार मत करया कि मैंने कोई क्या गो नहीं कह गो, आज ही गांव में जाके बदलाव कर लिया, कभी मैं तय करके आया अशोक पीछो रही और कमल को फूल हो रही हो, और मैं आया चुनाव आया अशोक पीछा है इन्हें थाने सब लोग मिलकर लागो, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।